बसमिल्लर रहीम अलकुम माई डयर स्टूडेंट्स दिस इज़ मी बिल अहमद एंड यू वर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल आल पाक स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इन हम बायोलॉजी एम सिक्यूज़ के पार्ट नंबर थर्टी फाइव को डिस्कस करेंगे तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो हमारा फर्स्ट क्यूज है वट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट सेंस इन द ह्यूमन बॉडी स्टूडेंट्स आप लोगों को बताएं हमारे सेंस के जो ऑर्गन्स है वो है फाइव आइज फॉर विजन नोज फॉर स्मेल एयर फॉर हेयर किन फॉर टच एंड द लास्ट स्टोन इज टॉर टेस्ट तो सुन इसमें हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉगेस्ट सेंस है वह हमारे पास so है स्मेल सो दैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी और स्मेल को हम जिस सेंसरी ऑर्गन से स्मेल करते हैं वह हमारे पास है नोस एक्सक्यूज नंबर टू है हमारा स्वीट टेस्ट बर्ड लाइज एट द ब्लेंक ऑफ टंक स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे टंग के जो है डिफरेंट साइड से जो हमें एक अपना टेस्ट देती है जिस तरह अगर हम स्टूडेंट्स टंग की टिप की बात करें तो हमारे पास स्वीट को देती है इस तरह अगर हम टंग के थोड़े से ऊपर आए और साइड पर देखें तो वहाँ पर हमारे पास साल्ट को जो है महसूस करने के लिए साल्ट को टेस्ट करने के लिए अपने बर्ड्स होते हैं ऊपर आएंगे तो बिल्कुल जो अब पैलेट की तरफ टंग होती है ना वहाँ पर उसका जो सेंटर है वह हमारे पास बेटरनेस को और उसके साइड पर हमारे पास को टेस्ट करती है तो उस से अगर हम स्वीट टेस्ट की बात करें तो हमारे टंग का जो टिप होता है ना हम इसको इसके ज़रिए चखते हैं। सो तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए बेसिकली टंग हमारे पास एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जिसके ज़रिए हम ये चीज़ फाइंड करते हैं कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं आया ये चीज़ स्वीट है ये साउर है साल्टी है या बेटर है और कहाँ जाता है कि इंसान के टंग में 2000 से लेके 8000 तक डिफरेंट स्वीट या हम कह सकते हैं टेस्ट बर्ड्स है त्री है हमारा विच फाइनल पिलामेंट ग्रो फ्रॉम स्किन वो कौन सा फाइनल पिलाेंट है एक दागा है जो हमारे स्किन से उगता है उसकी ग्रोथ होती है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मीन हेयर नंबर फोर है हमारा वट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ एन आई स्टूडेंट जिस तरह तो आप लोगों को पता है कि इंसान के दो आंख होते हैं एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट अभी हमारे पास जिस क्विटी में प्रेजेंट है स्कल में उस क्विटी को हम नाम देते हैं ऑर्बिट्स का आई का काम हमारे पास होता है देखना और आई का हमारे पास जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो हमारे पास है रेटिना सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है चूंकि बात हो रही है रेटेना की तो हम रेटेना की फंक्शन को थोड़ा सा जान लेते हैं रेटेना करता क्या है लाइट को कैप्चर करता है और इसके बाद यही वो रेटेना है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ों की इमेज को देखते हैं यानी लाइट को कैप्चर करना और इसको इमेज में चेंज करना ये रेटिना का काम है नंबर फाइव है हमारा विच इज़ द लार्जेस्ट जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी सोन्स ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट जॉइंट है वो है नी जॉइंट सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए नी जॉइंट हमारे पास एक कम्प्लेक्स जॉइंट है पूरी बॉडी में जो हम इसे एक कम्प्लेक्स बोन भी कहते हैं नी जॉइंट हमारे पास हमारे मूवमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसलिए जब नी जॉइंट की कभी भी ब्रेक डाउन होती है ये तोड़ता है तो इस हमारे पास जो दोबारा हीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से होती है नंबर सिक्स है हमारा इंसानी जिसम के किस वजू के चार चम्बर्स होते हैं तो ये तो हमारे पास एक सिंपल साइम्स क्यूज़ है और इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी मीन दिल ऐसे हम हर्ट भी कहते हैं तो 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 इंसानी हर्ट का हमारे पास जो काम है जितने भी एनी मर्ज़ है उसके हर्ट का काम होता है ब्लड को सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में हर्ट के हमारे पास टोटल फोर चम्बर्स होते हैं राइट आरिकल लेफ्ट आर्कल राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्टेंट्रिकल ऐसा समझ अगर हम राइट साइड ऑफ द हार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास डी ब्लड होता है जबकि अगर हम लेफ़्टाइड ऑफ़ द हार्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन रिच चीनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है है हमारा वेयर इज़ द एसोपेगस लोकेटेड इन द बॉडी एसोपेगस जो है कहाँ पर लोकेट है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मीन चेस्ट बेसिकली बेसिकलीसोपेगस हमारे पास एक ट्रिप्यूलर एलॉन्गेटेड ऑर्गन है जो मेनली हमारे पास जिसमें प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पैरेंग से स्टार्ट होता है और स्टमक में इसकी एंड होती है इसमें हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स कहते हैं यही वो मसल्स है जिसके ज़रिए हमारा खुराक हमारे एसोफेगस से स्टमक में जाता है, है हमारा हारमोन विच कंटेन आयोडीन फ्रेंड्स हमारे पास हारमोन जो है ये एक प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्प देते हैं अब वो हारमोन जिसमें आयोडीन होता है उसे हम नाम देते हैं तायरक्सें का सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हमारे निक में एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं इसी थायराइड ग्लैंड से हमारे पास थ्री हारमोन से क्रिएट होता है टी थ्री टी फोर एंड कॉलसीटोन टी थ्री एंड टी फोर को हम कोलेक्टिवली तायरक्सन कहते हैं जिसके प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है इसलिए टी थ्री को हम ट्राई आयोडो तायरिन जबकि टी फोर को आयोडो तायरिन कहते हैं अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी आ जाए तो उसकी वजह से तायरक्सिन की प्रोडक्शन नहीं होती तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हारमोन है जिसमें आयोडीन होता है वो हमारे पास है स्पेसिफिकली बात करें तो टी थ्री एंड टी फोर नाइन है हमारा कोलेस्ट्रोल आर फाउंड उसमें तो हमारे पास स्टेरोल की एक टाइप है जिसमें हमारे पास फोर बेंजीन रिंग है और इसमें हमारे पास साइड चेन प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारे पास मीट एंड फिश में ज्यादा मकदार में होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टेन है हमारा हु इनिशिएटेड द थ्योरी ऑफ ह्यूमन लाइफ बायोजेनेसिस वो कौन से इंसान थे जिन्होंने बायोजेनेसिस की तीवरी दी सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मीन लुइस पास्चर बायोजेनेसिस की तिवरी ये है कि इंसान जो है इंसान से वजूद में आता है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही वजूद में आएगा जब से इससे पहले एक दूसरी तिवरी थी ए बायोजनीसिस ए बायोजनीसिस ये कहती थी कि अगर ए हमारे पास एक नॉन लिविंग थिंग है तो इससे हमारे पास जो बी है वो लिविंग थिंग वजूद में आता है उसकी जुमरे लेवान है हमारा विच अमंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज इन द बॉडी नीचे हमें जो टाइप्स दी गई है इसमें वाइटामिन और ब्लड सेल शामिल है इसमें कौन से ऐसे सेल्स है ऐसे चीज़ें हैं जो डिजीज़ के अगेंस्ट मुकाबला करती है सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी मेन वाइट कार पसल वाइट कार पसल या इसे हम सिंपली नाम देते हैं वाइट ब्लड सेल या दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं जो हमारे एंटीबॉडीज़ को पैदा करने में हेल्प देते हैं और जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है कोई एंटीजन आता है तो उसको इनगल्फ करने में और उसको ख़त्म करने में वाइल्ड कारपसल्स का रोल है हमारा कार्टिकोट्राफीन रिलीजिंग हारमोन स्टिमुलेट सिशन ऑफ ब्लैंक हारमोन फ्राम पिच्यूट्री ग्लैंड जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम पिच्यूटरी ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास थ्री हिस्से हैं इंटीरियर पिट्यूटरी इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एंड पेस्टीरियर पिच्यूटरी इसमें हमारे पास जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ना ये हमारे पास एड्रीनोकोटिकोट्राफिन हारमोन को रिलीज करती है सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन इज ए नंबर सौ है हमारा डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स रिजल्ट इन वाइट ब्लड सेल्स को सुन सालेवन में डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे डिफेंस सिस्टम को बनाती है अब अगर वाइट ब्लड सेल्स में कमी आएंगी तो इससे हमारे पास हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होती एंटीबॉडीज़ हमारे पास हमारे बॉडी के वो सेल्स हैं जो हमारे मुदाफती निज़ाम हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने में हेल्प देते हैं अगर बाहर से कोई एंटीजन आता है तो उसको इनगल्फ करने में एंटीबॉडीज़ का इंपॉर्टेंट रोल है नंबर फोटीन है हमारा विच ऑफ दिन कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन इन द बॉडी रिप्लेक्स एक्शन क्या है तुरंत तो जिस तरह आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो तो डायरेक्ट आपका हाथ पीछे चले जाता है यानी किसी स्टमुलई को स्टमुलई मीन एनी चेंज इन द दिनवामेंट उसको जवाब देना उसको रिस्पॉन्स देना इसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का और ये हमारे पास काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम काफ्टीन है हमारा विच ऑफ दिटेन फंक्शन इमंग द डिफाइंड ह्यूमन फंक्शन बाई रॉबर्ट मिल्टन तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मीन यूनियन इंटरनेशनल एंड नॉट ऑबियस तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के एम उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एम क्लियर हुए होंगे और अगर फिर भी आप लोगों को, को कोई भी कन्फ्यूजन हो कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इन अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए मुझे अपने दुआओं में याद रखिए